to education waves, success made easy, biodiversity and conservation part 5. So, आज के इस वीडियो में हमें इन सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है. सो इन सीतु कंजर्वेशन को आप ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं. ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब कि जो साइट थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था डिटेल में कि मतलब मैंने आपको डिफरेंस बताया था एक सीतु और इन सीतु में, कि इन सीतु में हम पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं प्रोटेक्ट करने की, पूरे इकोसिस्टम को. ठीक है, सो दिस इज ऑन साइट कंजर्वेशन, कि वो जो साइट है उसी को ही आपने कंजर्व करने की कोशिश की. सो दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज इन द नेचुरल हैबिटेट. जो उसका नेचुरल हैबिटेट था, मतलब यहाँ ट्रीज थे, एनिमल्स थे उनके पास, वो सारा का सारा एरिया आपने क्या कर दिया, उसको कंजर्व करने के लिए आपने उसको ये बोल दिया, वो एरिया ही बैन कर दिया कि वो लोग वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, या फिर आपने उसको किसी पार्क का नाम दे दिया कि ये अब जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में आती है, जिसके अंदर अब आप ह्यूमंस नहीं एंटर कर सकते, ना ही आप उसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं. सो बट हमने उस पूरे नेचुरल इकोसिस्टम को ही क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया. ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, इन सीतु कंजर्वेशन. नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, दीज आर द रीजंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. नाउ यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस जहाँ पे भी हो, जिस भी रीजन में आपको देखने को मिले कि यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, सो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. फिर हम उस एरिया को क्या करते हैं, कन्फाइन कर देते हैं. जैसे कि एंडेमिक स्पीशीज जो हैं हमारी, दे आर द स्पीशीज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड रीजन. आप कहीं 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 पे ही आपको मिलेंगी एंडेमिक स्पीशीज जो हैं हमारी, ठीक है. सो हम उन एरियाज को क्या करते हैं, पूरे एरियाज को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे भी ये स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड होने वाली है या फिर खोने वाली है किसी रीजन से, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको क्या बनाया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए. सो देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि हैं वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड इंडो बर्मा एंड हिमालयास. ठीक है, सो ये जो वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा एंड हिमालय पूरा एक है. दिस इज 1, 2 एंड 3. ठीक है, सो 3 स्पॉट्स जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड दीज रिड्यूस मास एक्सटेंशन बाय 30%. जब हमने इन एरियाज को क्या किया, कंजर्व किया, तो हमने क्या देखा कि वो जो स्पीशीज जो थी, जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज थी, उनका एक्सटेंशन होना कम से कम 30% तक कम हुआ. नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, इंडिया हैज़ 14 बायोस्फेयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब ये सारी चीज़ें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट. ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि 3 हॉटस्पॉट्स कौन से थे और हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या है. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बायोस्फेयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. कभी कभी बच्चे इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये नेशनल पार्क्स और बायोस्फेयर रिजर्व्स कहाँ पे लिख देते हैं, एक्स सीतु कंजर्वेशन में. सो यू हैव टू बी श्योर कि आप क्या एग्जाम में लिख रहे हैं, और आप एक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल समझाई थी, वो पूरा टेबल जो है आप उसे लर्न कर लीजिए. वो बहुत सिंपल टेबल है कि यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज 4 हैं एंड दिस इज एक्स सीतु कंजर्वेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं. ठीक है, सो कन्फ्यूज मत होइएगा. इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि वो पूरा का पूरा क्या, नेचुरल हैबिटेट ही अपने अंडर कर लेते हैं. सो उसे क्या कर दिया उन्होंने, नेशनल पार्क, बायोस्फेयर रिजर्व्स का नाम दे दिया. वो पूरे नेचुरल हैबिटेट्स हैं, लेकिन जब आप एक सीतु में जाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें बनवाते हैं. जैसे बोटानिकल गार्डन उन्होंने खुद पहले बनाया, फिर वहाँ पे उन स्पीशीज को ला के रखा जो कि एंडेंजर्ड थी या फिर ख़त्म होने वाली थी, तो उनको एक ऐसा आर्टिफिशियल एक हैबिटेट प्रोवाइड किया. ठीक है, सो ये एक डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पे नेचुरल मिला लेकिन वहाँ आर्टिफिशियल. बायोस्फेयर रिजर्व्स नेचुरल है, नेशनल पार्क नेचुरल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेचुरल है.
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक पहला था जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रूव्स, ये भी किसमें आते हैं, इन सीतू में। दीज आर द फॉरेस्ट पैचेस सेट असाइड फॉर वर्शिप। सेक्रेड मीन्स यू ऑल नो, ठीक है। सो सेक्रेड जिस जो कि रिलेटेड है वर्शिप से, तो ऐसे फॉरेस्ट जिन्हें सिर्फ वर्शिप्स के लिए असाइड कर दिया गया, ट्रीज को, वाइल्ड लाइफ को, विद इन आर गिवन टू टोटल प्रोडक्शन बाय ट्राइबल पीपल्स। जो वहां के ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने इन्हें एक टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की कि आप इन्हें किल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये हमारे पूजा के लिए है या फिर ये हमारे वर्शिप से रिलेटेड है, आप इनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स कैन बी फाउंड इन दीज रीजन्स। तो जब भी आपको कोई थ्रेटेंड प्लांट या फिर यू नो रेयर कोई एनिमल फाउंड करना हो तो इन रीजन्स में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के वो लोग जो हैं उसे पूजा, वहाँ की पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे कोई इन्हें टच नहीं करता। सम ऑफ द सेक्रेड ग्रूव्स जो है इंडिया में, दे आर इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि सेक्रेड ग्रूव्स का नाम बताइए। सो खासी एंड जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय में है, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड सरगुजा चंदा एंड बास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ एक्सीटू कंजर्वेशन, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ स्पेशल केयर यूनिट फॉर देयर प्रोडक्शन। सो ना कि उनके नेचुरल हैबिटेट में रख के, ये एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड इंडिया हैज़ अबाउट 35 बोटैनिकल गार्डन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने बोटैनिकल गार्डन्स, इंडिया के पास 35 बोटैनिकल गार्डन्स हैं, 275 जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे वो एनिमल्स को रखते, ताकि विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जो कि यू नो एक्सटिंक्ट होने वाले हों या फिर अभी होने की कगार पे हों। एंड बाय यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जहाँ पे हम स्पर्म्स या फिर उस एक्सटिंक्ट एनिमल के या फिर किसी भी प्लांट के, उनके स्पर्म, एग या फिर उनके एनिमल सेल, टिश्यू, एम्ब्रायो, किसी को भी हम -190 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो जो चीज़ें हैं, वो जो स्पर्म या फिर एग है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें यूज़ करना हो, ठीक है। सो वो क्या हो जाए, यू नो जस्ट बिकॉज उनको प्रिजर्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बाय यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, जब हम स्पर्म्स, एग्स, एनिमल सेल या टिश्यू या एम्ब्रायो को स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, उसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। फॉर लॉन्ग पीरियड इन जीन बैंक्स, जीन बैंक्स में मैंने बताया कि जीन बैंक्स में भी यही होता है कि वो उस पर्टिकुलर एनिमल या फिर उसके जीन्स को ही रख लेते हैं। सीड बैंक्स में सीड को प्रिजर्व किया जाता है। एंड प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड इन विट्रो यूजिंग टिश्यू कल्चर मैथड्स, माइक्रो प्रोपेगेशन। एंड इट इज़ द डिजायरेबल अप्रोच वेन अर्जेंट मेजर्स टू सेव एक्सटिंक्शंस आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीतू कंजर्वेशन एंड एक्सीतू। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन साइट, मतलब वो जो नेचुरल हैबिटेट है हम उसी को ही क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में ही रहते हैं, बस हम लोगों को वहाँ एंटर नहीं करने देते। एंड इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द साइट ऑफ अक्रेंस, जहाँ पे वो, फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल का बर्थ कहीं और हुआ लेकिन हम उसे वहाँ से लेके गए हैं, लेकिन उसे एक अलग इकोसिस्टम के अंदर रखा, मतलब ये ऑफ साइट आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। प्रोटेक्टेड एरियाज आर द सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स, सारे नेचुरल पार्क्स या फिर सेंचुरीज, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल कंडीशन है, दे आर क्रिएटेड टू मेक देयर हैबिटेट ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि हमने बोटानिकल गार्डन्स बनाए हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनवाए हैं, कि उन्हें ऐसा फील हो कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रह रहे हो, लेकिन वो होते आर्टिफिशियल। इट एम्स टू एनेबल बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन इटसेल्फ विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोसिस्टम, कि वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन करती है खुद को विद द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोसिस्टम। एम ये होता है कि जो हमारे प्लांट और एनिमल्स है वो इकोसिस्टम, जो उनका खुद का इकोसिस्टम है, वो मेंटेन कर सके, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सके वहाँ पे, और वो मेंटेन रहे, उनका बैलेंस बना रहे, कोई एक्सटिंक्ट वगैरह ना हो। एंड इट इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, जेनेटिक कंजर्वेशन अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, उसके ओरिजिनल लोकेशन से, जस्ट बिकॉज हम कहीं और कर रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन को
मेंटेन करने के लिए ये इट इज इट इन्वॉल्व्स ओके एंड इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीशीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन एंड दिस मेथड विल इन्हांस द प्रोबेबिलिटी टू रिप्रोडक्टिव सक्सेस फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज ठीक है सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ जाता है उन एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए यहाँ पे वो अडेप्ट कर सकते हैं इवोल्यूशन हो सकता है उनका ठीक है सो इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीशीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन एंड इट मेंटेन द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड इट क्रिएट्स जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट ऑफ उन इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए सो एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि प्रिडेशन पोचिंग से भी उनको हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वी ऑल नो कि अगर हमने किसी नेचुरल हैबिटेट के अंदर जैसे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है हम उन एनिमल्स को एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं छोटा सा एरिया दे देते हैं जहाँ पे अगर एक हमने बियर को रखा है तो ऑब्वियसली वहाँ टाइगर नहीं आएगा ठीक है हमने ऐसा कुछ प्रोटेक्टेड वगैरह हमने कुछ तो स्टेप्स लिए ही होंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल है हमें पता है बट यहाँ पे इट मेंटेन द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते उस नेचर के अंदर जो हो रहा है उस इकोसिस्टम के अंदर हम वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते तो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर मोबिलिटी टू एनिमल स्पीशीज बिकॉज ऑफ लार्ज हैबिटेट एरिया ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया आपने जूलॉजिकल पार्क्स में जब भी आप जू गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उन ऑर्गेनिजम्स को मोस्टली वो सारे बंद होते हैं ठीक है एक छोटा सा एरिया प्रोवाइड किया होता है उन्हें तो लेस मोबिलिटी होती है एक सीतु कंजर्वेशन में लेकिन इन सीतु कंजर्वेशन में क्या होता है मोबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो पूरा नेचुरल पार्क है वो कहीं पे भी जा सकते हैं सो नेचुरल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व पार्क सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे जू एक्वेरियम सीड बैंक्स ठीक है सो ये था हमारा इन सीतु और एक सीतु लास्ट कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी सो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए थे द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो द जेनेरियो इन 1992 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे रन कर लीजिएगा कि कहाँ पे हुआ था विच कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स सो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी जो नेशंस थे ठीक है उन्हें बुलाया गया था और एक अप्रोप्रिएट हमारी मीटिंग हुई थी इस अर्थ समिट में क्या हुआ था जो कि हेल्ड हुआ था रियो दे जनेरियो में 1992 में ये हेल्ड हुआ था और यहाँ पे जो नेशंस थे उन्होंने क्या किया था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक मीटिंग रखी गई कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं एंड द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इन 2002 इन विच 190 कंट्रीज प्लेस्ड टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजनल एंड लोकल लेवल्स बाय 2020 उन्होंने ये एक प्लेज लिया कि वो जो रेट जो ये बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो जो रेट है उसको रिड्यूस करेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको हम कम कर देंगे कहाँ तक जब तक 2020 आएगा ठीक है सो ये था हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी थैंक यू सो मच प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम